आपका स्वागत है आज हम विभिन्न प्रकार के फल के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे आपको किडनी की बीमारी होने पर बचना चाहिए किडनी की बीमारी गंभीर हो सकती है इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने शरीर में क्या डालते हैं बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए कुछ प्रकार के भोजन संभावित रूप से हानिकारक होते हैं दूर रहने वाला पहला खाद्य समूह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है नाश्ते के कुछ अनाज चिप्स और प्री पैकेज स्नैक्स जैसी चीजों में बड़ी मात्रा में नमक और परिरक्षक होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं यदि आपको किडनी की बीमारी है खाने का एक अन्य समूह उच्च सोडियम वाले खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि डिब्बाबंद सूप पहले से तैयार भोजन और सॉस और मसालों की बोतलें इन खाद्य पदार्थों में उनके ताजे समकक्षों की तुलना में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक नमक आपके किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है उच्च ऑक्सीट स्तर वाले फलों और सब्जियों की खपत को सीमित करना भी महत्वपूर्ण है इसमें पालक रूबब और चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं बहुत अधिक ऑक्सालेट किडनी की पथरी के निर्माण को बढ़ावा दे सकता है जो कि किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है एक और भोजन जिससे बचना चाहिए वह है रेड मीट खाने से ब्लड यूरिया का स्तर बढ़ सकता है जो किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है अंत में पैकेज स्नैक्स और बेक किए गए सामानों की खपत को सीमित करना महत्वपूर्ण है इनमें से कई स्नैक्स और मिठाइयों में फॉस्फोरस होता है जो आपके किडनी की अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को छानने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है तो ये बात है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सोडियम में उच्च खाद्य पदार्थ युक्त फल और सब्जियां रेड मीट और पैकेज स्नैक्स और बेक किए गए सामान से बचना याद रखें ऐसा करने से आपको स्वस्थ रहने और किडनी की बीमारी के लक्षणों को कम करने में मदद मिलेगी धन्यवाद और अधिक वीडियो के लिए हमें फॉलो करें